सब हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आपके साथ जो DIY शेयर कर रही हूँ, ये एक कांच के ये 4 कंटेनर हैं और ये किसी चीज़ में निकले थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे रखने के बजाय मैं इसका थोड़ा सा DIY करूँगी, तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे देखने में और हमारा किचन भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप किचन या डाइनिंग टेबल कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बनने के बाद आप देखिएगा कितना प्यारा कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 थे, मैं वैसे 6 का सेट बनाना चाहती थी लेकिन मेरे पास 4 ही अवेलेबल थे, तो मैंने फिर 4 ही का यूज किया। और यहाँ पर ये सबकी जो ये लिड है ये सबकी ब्लैक है, कंटेनर को मैंने धोकर सुखा लिया था और फिर मैंने सोचा कि मैं इसका कुछ यूज करती हूँ। तो ये छोटे छोटे बहुत क्यूट से कंटेनर हैं, तो इसका इसके ऊपर सबसे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि जैसो वगैरह, जिससे कि इसके ऊपर कलर चढ़ जाए। तो मोस्टली लोग जैसो करते हैं क्योंकि ये कांच का है तो इस पर कलर चढ़ेगा नहीं, तो इसके ऊपर आपको जैसो करना पड़ेगा। मैं जैसो का यूज नहीं करती हूँ, मैं हमेशा वाल पुट्टी का घोल यूज करती हूँ। और अगर इनकेस आपके पास जैसो वाल पुट्टी नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर का भी, वाइट एक्रेलिक कलर का भी यूज कर सकते हैं बेस कोट देने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर चौक पेंट का यूज किया है और मेरे पास वाइट कलर का चौक पेंट था तो मैंने उससे उसका बेस दिया है। और अगर आपके पास चौक पेंट ना हो तो आप एक्रेलिक कलर का भी बेस दे सकते हैं, लेकिन चौक पेंट से देंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। और मैंने सारा जो पेंट करा है मैंने सब चौक पेंट से करा है, और तो इस तरह से ये मैंने ये चौक पेंट ले लिया है। और इसको इसको इसका भी बेस कोट अगर आप इससे देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ये मैट फिनिश होता है और काफ़ी अच्छा इससे रिजल्ट आता है। आप आगे देखिएगा काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। ये अगर आप एक्रेलिक कलर करते हैं और आप थोड़ा सा अगर आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप चौक पेंट में जा सकते हैं। चौक पेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है लेकिन ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी ड्यूरेबल होता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि एक्रेलिक कलर से करते हैं तो उसकी लेयर निकल जाती है, लेकिन ये इसकी कभी भी नहीं निकलती, हमेशा एज इट इज रहता है और काफी ड्यूरेबल रहता है। और तो ये मुझे तो ये काफी अच्छा लगता है चौक पेंट, और मैं ज्यादातर चौक पेंट का ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे 4 कंटेनर और 4 लेड जो है वो मैंने इसको बेस कोट इसका लगा लिया है, और मैंने 4 कलर भी निकाल के रख लिए हैं जो कि मुझे चाहिए, मुझे जो इस पर करना है। तो यहाँ पर ये सूख जाता है, 2-3 मिनट में ही सूख जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता है। और मैंने इसको सबको बाहर से ही पेंट किया है, अंदर से नहीं किया है, क्योंकि कल को आप अगर इसमें कोई चीज़ रखते हैं या कोई खाने पीने की चीज़ अगर रखते हैं तो जिससे कि वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल ना हो, तो इसलिए मैंने इसको बाहर ही से मैंने इसका इसको बेस कोट दिया है और अंदर से मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, जिससे कि अंदर ये आपका ये सेफ है। तो चलिए अब इस पर दूसरा जो अब बेस कोट हो गया है और ये सूख भी गया है, तो चलिए अब इस पर कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने सब चौक पेंट का ही यूज किया है, तो यहाँ पे मैं ग्रीन पेंट ले रही हूँ और आप देखिएगा ये कितना अच्छा कितना स्मूथ ये पेंट जब मैं इस पर करूँगी तो आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्ट्रोक पता चल रहे हैं या जो ब्रश के स्ट्रोक होते हैं या आपको डैब डैब करके करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी स्मूथ फिनिशिंग आई थी। आप खुद देख पा रहे होंगे कि कहीं कोई स्ट्रोक नहीं पता चल रहा है, बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग आई है और ये मैट फिनिश देता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो इस तरह से, और इसके कलर और एक्रेलिक कलर के जो कलर होते हैं वो अलग डिफर होते हैं उनके कलर, तो वो जो इसमें आते हैं वो उसमें नहीं आते हैं, जो उसमें आते हैं वो इसमें नहीं आते हैं, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी स्मूथ फिनिशिंग आई है इसमें। तो इस तरह से मैं सफर कर लूँगी, 4 जो कंटेनर हैं मैं उस पर कर लूँगी, जो मैंने कलर निकाल के रखे हैं चारों पर मैं कर लूंगी जो जो मुझे करना है। और यहाँ पे देखिए मैंने सब लिड पर भी कर लिया है और 4 कंटेनर पे भी कर लिया है। मैंने एक पर ग्रीन करा है, एक पर भी ये बबल गम कलर है और एक ये लाइट पर्पल है और एक भी मैंने येलो कलर करा है। तो इस तरह से मेरे सारे सब लिड पर और सब कंटेनर पे कलर हो गए हैं। चाहे तो आप एक ही कलर कर सकते हैं, अगर आपको एक जैसा रखना है तो आप एक ही कलर कर सकते हैं, लेकिन मुझे मल्टी कलर में बनाना था और मुझे मल्टी कलर बहुत पसंद है तो मैंने इसलिए मल्टी कलर का यूज किया। चाहे तो आप इसकी लिड या कंटेनर एक ही कलर का कर सकते हैं मल्टी कलर, अगर आपको नहीं ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए मेरे पास ये सिल्कान का जो मोल्ड होता है वो था, तो मैं
इसमें फ्लावर और ये पेटल वगैरह इसमें बनी हुई थी और ये ब्रांचेस वगैरह बनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ग्लू गन से मैं इसको फिल करके देखती हूँ और फिर मैं इसको इसके बॉटल के ऊपर चिपकाऊंगी तो 3D लुक आएगा। और चाहे तो आप इसमें मोल्डेड क्ले का भी यूज कर सकते हो, बहुत प्यारा बनेगा। लेकिन मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि इतनी फिनिशिंग भी नहीं आई थी बनने के बाद। और आपको तो पता है कि ग्लू गन जब भी आप यूज करते हैं तो वो खिंचती है, और तो मुझे पसंद नहीं आया। और मेरे पास ये कलर था स्पार्कल कलर में, पिंक कलर में थी, तो मैंने उससे इसका फ्लावर बनाया। मुझे मैंने सोचा कि शायद ये अच्छा लगेगा। और स्पार्कल ग्रीन कलर का ही मैंने लीप भी बनाई थी, लेकिन मुझे दोनों चीज़ पसंद नहीं आई। और फिर मैंने इसको बाद में एक्रेलिक कलर से इसको पेंट कर दिया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये एक दो मिनट में ये आपको तो पता है ग्लू गन सूख जाती है, तो फिर आप इसको ये मोल्ड से जो आपने मोल्ड में लगाया है इसको मोल्ड से निकाल लीजिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना कितना डल कलर आया है, तो मुझे मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि मुझे ब्राइट कलर चाहिए था। ये देखिए कितना डल कलर है, इस तरह से आप लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा। तो फिर मैंने इसको अलग से कलर करा जो मुझे कलर करना चाहिए। लीफ तो मैंने ग्रीन ही रखी, बाकी कलर को बाकी जो फ्लावर हैं वो उसको मैंने कलरफुल करा। और मैं ये एक सबसे पहले मैंने एक ये वाइट मैं दिखा रही हूँ कि मैंने वाइट फ्लावर बनाया था, तो मैंने सोचा था इसको मैं कलर कर लूँगी। और लेकिन फिर जब मुझे ये कलरफुल दिख गई तो कलर दिख गया पिंक, तो मैंने सोचा मैं इससे बनाऊं, लेकिन ये भी मेरा बेकारी रहा बनाना। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको एक पे लगा लिया है। अब दूसरे पे मैं लगा कर आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो मैं ग्लू यूज करती हूँ वो मैं फैब्रिक ग्लू यूज करती हूँ, बहुत जल्दी सूखता भी है, बहुत ड्यूरेबल भी होता है, मुझे बहुत पसंद है। चाहे तो आप कोई भी ग्लू का यूज कर सकते हैं, फेविकोल का यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन ग्लू का यूज कर सकते हैं और ग्लू गन का यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है तो मैं इसी का यूज करती हूँ। अब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मेरा काफी ये खाली भी हो गया है, मुझे मंगाना है, तो यहाँ पर ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है और बहुत जल्दी जो चीज आप लगा रहे हैं तो बहुत जल्दी होल्ड भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये मैं एक फ्लावर लगाकर आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से लग रहा है। और बस इसको क्योंकि ये मोल्ड में बना है तो थोड़ा सा ये मोटा होता है, तो इसको आप एक मिनट ऐसे प्रेस करके रखिए तो ये स्टिक हो जाता है। और फिर मैंने नीचे यहाँ पर लीफ के लिए ग्लू गन लगाया है, वो सॉरी ग्लू लगाया है। और मैं यहाँ पर लीफ भी बनाकर आपको लगा कर दिखा रही हूँ कि लीफ भी ये कैसी लगती है बनकर। तो यहाँ पर ये लीफ भी मैं आपको लगा कर भी दिखा रही हूँ, अभी आप देखिएगा कैसी लगती है। आप कोई भी पैटर्न से लगा सकते हैं, मैंने इस पैटर्न से लगाया है, आप चाहे कोई भी पैटर्न से लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप फ्लावर लीफ ही बनाएं, आप कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें आप इसके ऊपर कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे मेरे पास वो चूंकि मोल्ड भी था और तो मैंने सोचा मैं उसी का यूज करके देखूँ। लेकिन अगर आप इसको वो जो मोल्डेड क्ले से बनाएंगे तो बहुत प्यारा बनेगा, बहुत अच्छा ये मोल्ड से निकलेगा ये। तो इस तरह से ये देखिए बन गया है। और फिर इसको ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जैसे मैंने आपको बताया, फिर मैंने इसको अलग अलग कलर भी कर लिया था। और यहाँ पे मैंने लिड भी चारों अपनी कलर कर लिए, और यहाँ पर मुझे ऐसी अच्छी नहीं लग रही थी लिड, खाली खाली सी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे फेविक्रिल का जो मोल्डेड क्ले होती है जिसको शिल्पकार क्ले भी बोलते हैं वो मैंने लिया है। वो दो पोर्शन में निकलती है, एक हार्ड रेजिन होता है और एक हार्डनर होता है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। जब तक आप अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, जब तक उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद मैंने इसको चार पोर्शन में डिवाइड कर लिया था क्योंकि मुझे चार लीड पर लगाना था, तो मैंने चार पोर्शन इसके डिवाइड कर लिए थे। तो चाहे तो ये ऐसी भी लग जाती है, चिपक जाती है, लेकिन मैंने फिर यहाँ पर थोड़ा सा सोचा कि और इसको ड्यूरेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लू का यूज करा है। तो यहाँ पर ये ग्लू से मैंने ये चारों लगा दी है इस तरह से। और तो ये यहाँ पर ये चारों इस तरह से जब यहाँ पर लग जाएगी, और ये बहुत जल्दी सूख भी जाती है, इसमें सूखने में भी टाइम नहीं लेता है, बहुत जल्दी सूख जाती है ये, 15-20 मिनट के अंदर ये सूख जाती है। अगर अगर आपका कोई पतला प्रोजेक्ट है तो जल्दी सूख जाएगी, और थोड़ा सा अगर कोई हैवी प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन बहुत जल्दी सूख जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से
मैंने चारों पर नॉब लगा ली है। अब मैंने सोचा कि मुझे इस पे थोड़ा सा कुछ और करना चाहिए, तो मेरे पास वुड की बीड्स थी और बहुत सारी कलरफुल थी, तो चाहती तो मैं इन जिस कलर की लीड है मैं इसी कलर की लीड पर लगाती, लेकिन मैंने सब पर सब लीड पर मैंने रेड ही लगाया क्योंकि मुझे रेड अच्छा लग रहा था, तो और मैंने सबके ऊपर रेड लगाया। वैसे मैं यहाँ पे ग्लू का यूज कर रही हूँ, चाहे तो आप इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे अगर बीड्स को तो वो भी वैसे भी चिपक जाएंगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा ग्लू यूज कर लिया जिससे कि इसका नॉब का शेप भी ना खराब हो और अच्छे से हमारी लग भी जाए और ड्यूरेबल रहे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने चारों पर लगा लिया है, और साइड में आप देखेंगे कि मैंने ये जो बॉटल है इस पर देखिएगा, मैंने अभी आपको दिखाई देगा कि मैंने रेड कलर करा है फ्लावर में, और वो मैंने एक्रेलिक कलर ही करा है क्योंकि मुझे एक्रेलिक कलर थोड़ा शाइन में चाहिए था, तो मैंने फिर एक्रेलिक कलर का यूज करा है। ये देखिए यहाँ पे ये आपको रेड में दिख रहा होगा, और फिर ये जो नॉब है इसको भी मैंने एक्रेलिक कलर से ही पेंट कर दिया, और क्योंकि ये ऐसे वाइट अच्छी नहीं लग रही थी, और चाहे तो आप इसको अलग अलग कलर से कर सकते हैं या एक ही सेम कलर से कर सकते हैं, वो टोटली आपके अकॉर्डिंग है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये मैंने सबको अलग अलग कलर से नॉब करी थी, तो यहाँ पर ये मैंने रेड करी है, बाकी मैंने दूसरे जो नॉब थी वो दूसरे कलर से करी है। और मैं यहाँ पर एक चीज ये कहना चाहती हूँ, कोई जरूरी नहीं है जो कंटेनर में मैंने जो लिड का यूज करा है आप भी उसी तरह का लिड का यूज करिए, आप अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो आपको जो कंट्रास्ट जो आपको पसंद आए वो आप उस कंट्रास्ट का यूज करके और आप उसको बनाइए और इस तरह से, और तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जैसा आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये चारों को अलग अलग कलर से इसकी नॉब भी कर ली है, लिड भी कर लिया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा और आप भी ऐसे जरूर कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करके अपनी किचन को या अपने अगर आप रखना चाहें तो डाइनिंग टेबल पे भी आप इसको रख सकते हैं। और तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा बनने के बाद, और वैसे बिल्कुल सिंपल था, लेकिन इसमें अगर आप कुछ ना कुछ बना देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और कभी भी इस तरह की कांच की शीशी या बॉटल हो तो फेंकिए नहीं, उसमें कुछ ना कुछ आप इस तरह का क्रिएट करके रखिए। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।